नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करें UPTET एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख रहे हैं कि TET का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, जहां से आप लोग अपना प्रवेश पत्र सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय की दोस्तों ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर। देखिए एक बात आपको बता दें, अगर परीक्षा में देरी हुई तो नई भर्ती से बाहर होना कन्फर्म है। जी हाँ दोस्तों, एक महीने तक भैया PNP वाले स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं। इस अपडेट को भी जरा आप ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग, सबमिट स्कूटनी दोस्तों फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1-2-3। तो यहाँ पर तारीख देखिए 13 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। मतलब अभी भी 23 दिन 15 घंटे 53 मिनट 36 सेकंड बाकी है। तो भैया ये PNP दोस्तों कितना तेज काम कर रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर दोस्तों स्कूटनी के लिए आवेदन मुश्किल से 7 दिन भी लिए जाते तब भी काम हो जाता और एक महीने के अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया जाता, लेकिन इस लेट लतीफी से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। PNP को ये बात समझनी चाहिए। 97,000 पदों पर नए शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, लगातार दोस्तों मांग जारी है, क्योंकि अब चुनाव का समय आ चुका है। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये भर्ती अभी नहीं निकलती तो फिर आप कम से कम 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के। दोस्तों अगर इधर भर्ती फंसी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। एक बात और सुन लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में होगी 4,000 लिपिकों की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक और अपडेट, 54,000 से ज्यादा पंचायत सहायकों का चयन पूरा हो चुका है। पूरी अपडेट को देखेंगे क्या भैया सैलरी भी आनी शुरू हो रही कि खाली चयन पूरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों UPTET का एडमिट कार्ड आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको अभी हम आपको दिखाते हैं। TET प्रवेश पत्र की बात हो रही है, मतलब एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम कवर करेंगे। और देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती धांधली का दौर जारी। जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, सोशल मीडिया पर दोस्तों तापड़ तोड़, मतलब पोस्ट इस समय चल रही है और सोशल मीडिया पर बिल्कुल हल्ला बोल है। और दोस्तों जो कि अपडेट आ रही है सोशल मीडिया के हवाले से, भैया कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों के 145 नंबर है, कुछ के 139 नंबर है, कुछ के 130 प्लस नंबर चल रहे हैं। तो बच्चों के दोस्तों मांग है कि भैया STF के द्वारा उसकी जांच की जाए कि आखिर इतने नंबर बने कैसे। तो अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। फिलहाल देखिए एक बार रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो ज्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं होता है। 2-4 दिन तक सोशल मीडिया पर बातें होंगी, उसके बाद बच्चे भी बातें भूल जाते हैं। ये दोस्तों हर बार की बात है, पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों मामला था, उस समय भी व्हाट्सएप पर पेपर वायरल होने की खबर थी। 2-4 दिन बातें हुई, बातें दबा दी गई। और आपको बता दें इस बार भी दोस्तों DLED पेपर लीक मामला था, आपको पता होगा कि 2-4 दिन तक न्यूज़पेपर में खूब निकला, उसके बाद दोस्तों बातें दब गई, खत्म हो गई। तो यही होता है, जिनके पास जुगाड़ है वो बच्चे नौकरी पा जाते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे बाद में परेशान होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल 110 नंबर पाने से नौकरी नहीं मिलती, 150 में से अगर आप 110 नंबर भी पा जाएंगे तब भी दोस्तों नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अगर वैकेंसी दोस्तों 1504 जैसे पदों पर हो, जैसे भी जूनियर की भर्ती आई है 1504 पद है टोटल, अगर दोस्तों वैकेंसी यही 70,000 पदों पर होती तो भैया गारंटी होती कि सबको नौकरी मिल जाएगी, 100 नंबर पर भी नौकरी मिल जाती। जब दोस्तों सीटों की संख्या कम होती है तब नंबर ज्यादा लाना पड़ता है, एकेडमिक भी दोस्तों मैटर यहाँ करता है ना। तो एक एक करके दोस्तों सारी अपडेट को देखेंगे। देखिए DLED प्रशिक्षितों ने 10 दिन में मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्रयागराज से अपडेट आ रही है कि प्रसदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रशिक्षितों ने अब समय सीमा तय की है। सरकार से मांग की है कि 28 नवंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के पहले शिक्षक भर्ती घोषित की जाए, अन्यथा TET व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राप्त अभ्यर्थी सामूहिक रूप से लखनऊ में आंदोलन करेंगे। DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी विनोद पटेल अभिषेक तिवारी का कहना है कि 69,000 भर्ती के बाद प्राथमिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई। वर्तमान में TET व CTET पास अभ्यर्थियों की संख्या करीब 7 लाख है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। इसकी स्वीकारोक्ति सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने भैया वहां खुद कहा था कि 51,112 पद खाली है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आ पाई। तो बच्चों का धैर्य भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है। एक और अपडेट निकल कर आती है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, प्रश्न तो करते हैं लेकिन 120 लेकिन 0 अंक मिलने पर सवाल हो गया। इस अपडेट को आप देख सकते हैं,
शून्य अंक मिलने से अभ्यर्थी परेशान है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो ये भर्ती थी हमारी जूनियर वाली, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब या तो यही हो सकता है कि भैया उन्होंने 150 क्वेश्चन के 150 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए और उनका नंबर 0 आ गया। तो क्या आपको लगता है कि एक भी क्वेश्चन पर सही बबल नहीं हुआ होगा? तो आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेट का एडमिट कार्ड आ गया, तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां से दोस्तों आप जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पता है dlrizult.com। जी हाँ दोस्तों, dlrizult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट सबसे पहले और एडमिट कार्ड को भी दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट का एडमिट कार्ड जब जारी होगा, सबसे पहले आप इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। आप ये आसान भी रहता है, नहीं तो आप इधर उधर वेबसाइट पर जाकर परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस अपडेट को जरा देख लेते हैं कि क्या अपडेट क्या है कि उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में से 54,763 में पंचायत सहायकों का चयन पूरा हो गया है। बाकी ग्राम मतलब पंचायतों में चयन की कार्रवाई चल रही है। शासन के निर्देश पर पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। 4 मंडलों का प्रशिक्षण निदेशालय में जबकि 14 का मंडल स्तर पर होगा। निदेशालय स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। निदेशक पंचायती राज अनुज कुमार झा ने बताया कि चयनित पंचायत सहायकों को 2 दिन आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बरेली, झांसी, आजमगढ़ व बस्ती मंडलों के 12,048 पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर हो रहा है। अन्य 14 मंडलों के 46,141 पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण मंडलीय उप निदेशक पंचायत के निर्देशन में होगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षकों को ₹1,250 प्रति दिवस मानदेय मिलेगा। 14 मंडलों में पंचायत सहायकों के 2 दिन आवासीय प्रशिक्षण के लिए 8.53 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि समस्त चयनित 58,189 पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण दिसंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट कर ली जाएंगी। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक बनेगा सरकार के लिए। तो आप सोचिए कि 6,000 पर मंथ सैलरी इनकी रहेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम सैलरी में इतने लोगों को नौकरी दी गई। ठीक है, और जबकि दोस्तों अगर आप नरेगा में काम करते हैं तो भैया शायद 204 रुपये इस समय पर डे की सैलरी है। अगर इनकी 6,000 सैलरी को 230 से आप डिवाइड करेंगे तो भैया कितना आएगा आपका? ठीक है, 3 × 6 मतलब 200 रुपये की सैलरी बनेगी, 200 रुपये ना। ये सब दोस्तों मामला है। बाकी यूपी टेट का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फेल छात्रों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में जो देरी हो रही है उससे भी आपका नुकसान हो सकता है। रिजल्ट जितना जल्दी आएगा उतने फायदे में आप लोग रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट में गलती से किसी छात्र की बैक लग गई, यह हो सकता है कि आपके कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल में नंबर अपलोड ना किया, या कुछ भी हो सकता है होने के लिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो उससे आपको भैया छुटकारा मिलेगा कि अगर गलती से बैक लग गई तो आप अपना बैक क्लियर कर सकते हैं, या कुछ और भी दोस्तों मामला हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों फेल छात्रों के लिए बड़ी अपडेट होगी। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस समय छात्रों को भैया हल्ला बोल है, और कितने पदों पर आ सकती है वैकेंसी? तो 297,000 पदों पर उम्मीद की जा रही है। ठीक है, बाकी 51,112 उतने तो आने ही चाहिए। और याद रखिए गाइस, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो फिर वही है, एक बार दोस्तों वैकेंसी हाथ से निकल गई या वैकेंसी नहीं आ पाई, या अगर आप फेल छात्र हैं, अगर आपको मौका नहीं मिल पाया शिक्षक भर्ती में, तो फिर आपको एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब्र किसी छात्र में नहीं है। सभी बच्चों को यही उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द भर्ती में मौका मिले। यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों आप जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, उस पर भी उसका रिजल्ट डाउनलोड करके मतलब कॉलेज में जाके टेस्ट कराना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पहले आपको लिंक दे दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चे 2019 बैच के छात्र हैं, जरा ध्यान रखिए, आपको रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2019 बैच के छात्रों के लिए सेकंड सेमेस्टर का दोस्तों हम लिंक दे दे रहे हैं, जहाँ से पहले आप लोग अपना 2019 बैच जो आपका पिछले साल पेपर हुआ था उसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी प्रिंट आउट निकाल कर ठीक है कॉलेज में जाके अटेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये भूल जाएंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। अगर आपके पास रिजल्ट है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।